Hello everyone and welcome back to our channel biology impulse. Today in this session we will discuss about the several hormones. In the previous session as well we have also discussed about the several hormones such as the hypothalamic hormones, pituitary gland hormone other than we have also discussed about the pineal gland, thyroid gland and the thymus gland as well. Now in this session we will discuss about the adrenal gland hormone, pancreas hormones

ईच किडनी में अब जो इंटीरियर यहाँ पे अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो ये दो टाइप के टिश्यूज़ से मिल बनते हैं एक है एड्रीनल मेड्यूला और जो दूसरा है वो है एड्रीनल कॉर्टिक्स अगर हम एड्रीनल मेड्यूला की बात करें तो यहाँ पे ये दो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है और इन दोनों हार्मोन्स के नाम है पहले का है एड्रिलइन जिसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं और जो दूसरा है वो है नॉर एड्रिलइन जिसको हम नॉर एपीनेफ्रिन भी बोलते हैं और ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कैटक्लोमाइंस भी बोलते हैं इसके अलावा भी जो कैटक्लोमाइंस हैं इनको हम इमरजेंसी हार्मोन या फिर हारमोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली कोई भी स्ट्रेस वाली या फिर जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है उस टाइम पे रिलीज़ होते हैं ये हॉर्मोन्स हमारे अंदर जो अलर्टनेस है प्यूपिलरी डायलेशन है स्वेटिंग वगैरह है उसको इंक्रीज़ करवा देते हैं इसके अलावा हार्ट रेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है और जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसको भी इंक्रीज़ करवा देते हैं इसके अलावा ये जो कैटेक्लोमाइंस हैं ये जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन करवाते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनक्रीज़ हो जाता है और इसके अलावा ये जो लिपिड्स और प्रोटीन है उनका भी ब्रेकडाउन करवाते हैं अब हम बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टिक्स के हार्मोन के बारे में तो जो एड्रीनल कॉर्टिक्स है बेसिकली तीन जोन्स में डिवाइडेड होता है जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना रेटिक्यूलेरिया जो मिडल लेयर है उसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा और जो इनर आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलिसा अब यहाँ पे ये जो एड्रीनल कॉर्टिक्स है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिकॉयड्स तो ये जो कार्टिकॉयड्स हार्मोन है ये दो तरीके के हो सकते हैं एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और जो दूसरा है वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड कार्टिकॉयड यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल अब ये जो कार्टिसोल की अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं उनको प्रोड्यूस करवाता है जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाता है इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो आर प्रोडक्शन है उसको भी स्टीम्यूलेट करवाता है अब हम बात करेंगे मिनरल और कॉर्टिकॉयड्स के बारे में तो ये जो मिनरल और कॉर्टिकॉयड है ये नॉर्मली वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करवाते हैं जो मेन मिनरल और कॉर्टिकॉयड है वो है एल्डोस्टेरॉन जो कि हमारे रेनर टिब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और यहाँ पे स्टीम्यूलेट करवाता है सोडियम और वाटर के रीऑब्जॉर्बशन को और इसके साथ साथ जो सोडियम और पोटेशियम आयन है उनके एक्सक्रीशन को भी ये स्टीम्यूलेट करवाएगा तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहा है बॉडी फ्लूड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर और जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करवाने में ये मदद करवाता है इसके अलावा ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉयड्स होते हैं ये ग्लूकोजेनोजेनेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा ये लिपोलाइसिस और प्रोटीलाइसिस यानी कि जो लिपिड्स का ब्रेकडाउन या फिर जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हम बात करेंगे दूसरे ग्लैंड के बारे में दैट इज पेनक्रियाज पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है यानी कि एक ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो ये आइजलेट ऑफ लेंगर हिन्स ये बना होता है हमारे शरीर के अंदर लगभग एक से लेके दो मिलियन आइजलेट ऑफ लैंगरहिन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पेनक्रिएटिक टिश्यूज़ का नॉर्मली एक से दो परसेंटेज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अब जो आइजलेट ऑफ लैंगर हैं इसके अंदर दो मेन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हैं एल्फा सेल्स और बीटा सेल्स यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एल्फा सेल्स के बारे में तो ये जो एल्फा सेल्स होंगी ये एक हॉर्मोन रिलीज करवाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागन और ये जो ग्लूकागन हार्मोन है इसका काम होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करवा के रखता है ये जो ग्लूकागन है ये हमारे लिवर सेल्स के ऊपर एक्ट करता है यानी कि हमारे जो हैप्टोसाइट्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ पे ये स्टिमुलेट करवाएगा ग्लाइकोनियोलाइसिस को जहाँ से अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लिसमिया और ये जो हाइपर है इसकी वजह से बीमारी भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक मेलेटिस ये जो डायबिटिक मेलेटिस है इसके अंदर हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका लॉस होने लगता है यूरिन के थ्रू और इसके अलावा इस कंडीशन के अंदर जो कीटोन बॉडीज़ हैं उनकी भी फॉर्मेशन होती है तो हमने यहाँ बोला कि जो ग्लाइकोनियोलाइसिस है ये उसको स्टिमुलेट करवा रहा है लेकिन इसके साथ साथ ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको भी स्टिमुलेट करवाता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ये हाइपरग्लीसीमिया को कंट्रीब्यूट करवाएगा तो ये तो बात हो गई अल्फा सेल्स के बारे में अब यहाँ बात करेंगे हम बीटा सेल्स के बारे में तो जो बीटा सेल है वो एक और पैप्टाइड हॉर्मोन को रिलीज करवाते हैं जिसका नाम है इंसुलिन ये जो इंसुलिन है ये नॉर्मली ग्लूकोज हैम्योस्टेसिस में मदद करवाता है ग्लूकोज हेम्योस्टिस से मतलब होता है द बैलेंस ऑफ इंसुलिन एंड द ग्लूकागन टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ये जो एल्फा प्लस ये जो बीटा सेल्स हैं ये दोनों जो हॉर्मोन्स रिलीज करवा रहे हैं दैट आर ग्लूकागन एंड इंसुलिन रिस्पेक्टिवली ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करवाने में मदद करवाते हैं अब ये जो इंसुलिन है ये दो सेल्स के ऊपर एक्ट करती है एक है हैप्टोसाइट्स के ऊपर और दूसरा ये एक्ट करती है एडिपोसाइट्स के ऊपर यानी कि जो एडिपोस टिश्यू हैं फैट स्टोरिंग सेल्स हैं ये उनके ऊपर भी एक्ट करेगी और वहाँ पे ये जो सेल्युलर ग्लूकोज का जो अपटेक है और उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करवा देगी अल्टीमेटली जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लिसीमिया यानी कि जो एक हार्मोन है वो तो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवा रहा है वहीं जो दूसरा हार्मोन है वो यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करवा रहा है तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलके जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं अब अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक मेलेटिस वाला डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन थेरेपी so की ज़रूरत पड़ती है सो दैट कि जो उसके अंदर जो शुगर का लेवल है ब्लड के अंदर उसको डिक्रीज़ करवाया जा सके उसको रिड्यूस करवाया जा सके अब हम बात करेंगे टेस्टीज़ के बारे में तो जो टेस्टीज़ की लोकेशन होती है वो होती है स्क्रॉटल सेक के अंदर जो कि आउटसाइड दी एबडाम प्रेजेंट होता है अब जो टेस्टीज़ हैं वो बेसिकली दो ड्यूल फंक्शन करती हैं यानी कि ये एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी काम करती हैं और इसके साथ साथ ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती हैं जो टेस्टीज़ हैं ये नॉर्मली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं एक होता है सेमैनिफेरिस्टिब्यूल और दूसरा है स्ट्रोमल या फिर इंटस्टिशियल टिश्यूज़ इनको हम लीडिक सेल्स भी बोल सकते हैं तो अब ये जो लीडिक सेल्स हैं यहाँ से दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टिरन यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एंड्रोजन के बारे में तो जो एंड्रोजन हार्मोन है ये डेवलपमेंट मेचोरेशन और जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन्स हैं जैसे कि एपिड है वास डिफेंस है सेमाइनल वेसिकल्स हैं उनको डेवलप करवाने में मदद करवाता है इसके अलावा जो एंड्रोजन है वो स्पोमेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पॉम फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसके अंदर भी मदद करवाता है और इसके साथ साथ एंड्रोजन न्यूरल सिस्टम को भी स्टीम्यूलेट करवाता है जिसकी वजह से जो मेल सेक्स बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है these hormones stimulate the muscular growth, growth of the facial and the axillary hairs, aggressiveness, low pitch voice etc. इसके अलावा ये जो टेस्टोस्टेरॉन और जो एंड्रोजन हार्मोन हैं ये मिल के जो muscular ग्रोथ है उसके अंदर मदद करवाते हैं जो अग्रेसिवनेस आती है मेल्स के अंदर उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके साथ साथ जो वॉइस होती है वो लो पिच भी इन्हीं की वजह से हॉर्मोन्स की वजह से होती हैं अब हम बात करेंगे ओवरी के बारे में तो जो ओवरी है उसकी लोकेशन होती है एबडामन में और फीमेल के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है और यहाँ से जो एक ओवम है वो हर एक मैंस्ट्रल साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होता है जो ओवरी है वो दो टाइप की सेल्स या टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं जो सबसे पहला है वो है ओवरियन फॉलिकल और जो दूसरा है वो है स्ट्रोमल टिश्यूज़ यहाँ हम बात करेंगे ओवरियन फॉलिकल्स की तो जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करवाती हैं जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे जो फॉलिकल्स हैं वो रपच्चर्ड हो जाते हैं और वो कॉर्पस ल्यूटम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अब ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये एक हार्मोन को प्रोड्यूस करवाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन तो यानी कि ओवरी से दो हार्मोन प्रोड्यूस हुए दैट आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो ईस्ट्रोजन है वो प्रोड्यूस होता है ओवरियन फॉलिकल से और जब ओव्यूलेशन होता है तो जो रफचर्ड फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो कॉर्पस ल्यूटम है वो प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करवाता है अब यहाँ पे हम इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के फंक्शंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ईस्ट्रोजन के फंक्शन देख लेते हैं जो सबसे पहला फंक्शन है वो है दैट इट टीम द एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गिन यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ये स्टीम्यूलेट करवाता है इसके अलावा जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है उसके डेवलपमेंट में भी ये मदद करवाएगा जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आते हैं उनके लिए भी इस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है और जो मेमोरी ग्लैंड है उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है वहीं अगर हम प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो इसका मेन काम होता है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है ये मेनली मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से जो एलोविलाय है उसके फॉर्मेशन करवाता है जो कि एक सेक्लाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि मिल्क स्टोर करता है और इसके अलावा ये मिल्क सिक्रीशन का भी काम करवाता है अब हम बात करेंगे हार्ट किडनी और गेस्ट्रो इंटस्टिशल ट्रैक के हारमोन्स के बारे में तो अभी तक हमने बात करी थी एंडोक्राइन ग्लैंड के और उनके हारमोन से रिलेटेड लेकिन जो कुछ हॉर्मोन्स हैं वो कुछ टिश्यूज़ हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के नहीं हैं वहाँ से भी प्रोड्यूस होते हैं तो हम अभी कुछ ऐसे ही हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ट के हॉर्मोन के बारे में तो जो हर्ट है वहाँ से एक हॉर्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ए एन एफ इट्स टैंड फॉर दी एट्रियल नेट्रेयूरेटिक फैक्टर यानी कि जो ए एन एफ हॉर्मोन है इसका मतलब होता है एट्रियल नेट्रेयूरेटिक फैक्टर और जो ये एट्रियल वॉल होती है हर्ट की वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है वहाँ से ये सिक्रीट होता है अब ये जो ए है इसका मेन काम होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको डिक्रीज़ करवा देता है उसको रिड्यूस करवा देता है वेन द ब्लड प्रेशर इज़ इंक्रीज द ए एन एफ इज सिक्रीटेड विच कॉज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स दिस रिड्यूज़ द ब्लड प्रेशर यानी कि जब भी कभी हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो जो ए एन एफ है वो सिक्रीट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलेशन होगा और अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा अब हम बात करेंगे किडनी के हार्मोन के बारे में जो किडनी से हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन और किडनी के कौन सा हिस्सा जो इसको सिक्रीट करवाता है वो है जेक्स्ट्राग्लोमेरल सेल्स ऑफ किडनी अब ये जो हार्मोन है एरेथ्रोपोइटीन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इरेथ्रोपॉयसिस का जो प्रोसीजर है उसको स्टीम्यूलेट करवाता है इरेथ्रोपॉयसिस का मतलब होता है कि जो आर बी सी का प्रोडक्शन होता है यानी कि जो रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन होती है ये उसको स्टीम्यूलेट करवाता है वहीं अगर हम तीसरे उसकी बात करें तो वो है गेस्ट्रो इंटस्टिशियल ट्रैक हॉर्मोन अब ट्रैक होती हैं जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो गैस्ट्रो इंटस्टिशियल ट्राक के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये चार अलग अलग टाइप के मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करवाती हैं अब इनके नाम है हॉर्मोन्स के जो पहला है वो है गेस्ट्रीन दूसरा है सिक्रीटिन तीसरा है सी सी के एंड चौथा है जी आई पी तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे गेस्ट्रीन हारमोन के बारे में तो ये नॉर्मली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से जो एच सी एल और जो पेप्सिनोजन है उसको स्टिमुलेट करवाने में मदद करवाता है जो दूसरा हार्मोन है दैट इज सिक्रीटीन ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज वाले हिस्से के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पे जो वाटर और जो बायोकार्बोनेट हैं उनके सिक्रीशन में मदद करवाता है वहीं अगर हम तीसरे हार्मोन की बात करें दैट इज सी सी के दैट्स ट्रांसफोर क्लोसाइटोकाइनिन तो ये जो क्लोसाइटोकाइनिन हार्मोन है ये दो चीज़ों पे एक्ट करता है ये पेनक्रियाज़ के ऊपर भी एक्ट करता है और ये गाल ब्लडर के ऊपर भी एक्ट करता है पेनक्रिया से ये पेनक्रिएटिक जूस को uh, के सिक्रीशन को स्टीम्यूलेट करवाता है वहीं जो गाल ब्लैडर है ये वहाँ से बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टीम्यूलेट करवाएगा वहीं जो चौथा हार्मोन है दैट इज जी आई पी दैट फॉर द गैस्ट्रिक इनिबीटरी पैप्टाइड इट इनिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी कि ये जो चौथा जी आई पी हॉर्मोन है ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन्स होते हैं ये उनको इनिबीट करवा देता है

एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज मकैनिज ऑफ हॉर्मोन एक्शन यानि कि कैसे हार्मोन एक्ट करता है कैसे हॉर्मोन अपनी टारगेट साइड पर जाके बाइंड होता है उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे द हारमोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टीश्यूज बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल इज द हॉर्मोन रिसेप्टर विच आर लोकेटेड इन द टारगेट टीश्यूज ओनली यानी कि जो हार्मोन है वो अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा अपनी टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर जब वो अपने उस पर्टिकुलर हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और ये जो हार्मोन रिसेप्टर है वो भी उस टारगेट टिश्यू यानी कि जहाँ पे उस हार्मोन ने एक्शन करना है ये वहीं पे प्रेजेंट होगा यानी कि जहाँ पे हार्मोन को एक्ट करना है उस टिश्यू के अंदर एक हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और ये जो हार्मोन रिसेप्टर है इसी के साथ ही हार्मोन बाइंड होगा और तभी जाके जो इसको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है उसको करवाएगा अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं एक है मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर और जो दूसरा है वो है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर अगर हम uh, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इसीलिए हम इनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं वहीं जो दूसरे हैं दैट इज़ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर तो ये वो रिसेप्टर होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये फ़र्क है मेम्ब्रेन बाउंड वाले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे वहीं जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे हार्मोन बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और फिर वहाँ से जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन करेंगे अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो उसकी वजह से जो टारगेट साइट है वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे और ये जो बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं यही आगे जाके उस टारगेट साइट के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको प्रोड्यूस करवाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर दी दस आर ऑफ फोर टाइप यानी कि जो हारमोन्स है उनका केमिकल नेचर कैसा है इसके बेस पे जो हॉर्मोन्स है वो चार टाइप के होते हैं पहला है पैप्टाइड दूसरा है स्टेरॉइड तीसरा है आइडोथायर और चौथा है अमाइनो एसिड डेरेबेटिव अगर हम पैप्टाइड हार्मोन्स की बात करें तो इनके कुछ एग्जाम्पल जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो है इंसुलिन ग्लूकागन पिट्यूटरी हार्मोन्स और हाइपोथेलमिक हार्मोन्स वहीं अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन ईस्टाडोल और जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वहीं अगर हम आइडोथारन की बात करें तो जो थायरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो इस कैटेगरी के, के अंदर इंक्लूड होते हैं और जो लास्ट है दैट इज़ अ माइनो डेरिवेटिव इसका एग्जाम्पल होता है एपीनेफ्रेन यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं लेकिन एक आधी बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड हार्मोन तो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से जो हॉर्मोन्स हैं वो पेप्टाइड हैं या फिर कौन सा स्टेरॉइड है द हारमोन्स दैट बाइंड विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल बट जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर विच रेगुलेट द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म तो जब हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर की बात करी थी तो इसका मतलब ये था कि वो सीधा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर तो जो हॉर्मोन्स ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं वो टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते हैं और ये क्या करेंगे कि ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को वहीं सेल मेम्ब्रेन पे ही जनरेट करवाएंगे और वो जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं वो आगे जाके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाएंगे वहीं अगर हम दूसरे की बात करें यानी कि इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें तो हॉर्मोन्स विच इंटरैक्ट विद द इंटरसेलुलर सेल्युलर रिसेप्टर मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन बाई इंटरेक्शन विद द हॉर्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद इन द जीनोम यानी कि वो हॉर्मोन जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं वो नॉर्मली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करवाते हैं ये हॉर्मोन्स के साथ इंटरैक्ट करके और यहाँ से अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल के आता है वो है कि फिजियोलॉजिकल और जो डेवलपमेंटल इफेक्ट हैं वो यहाँ पे होते हैं यानी कि जब हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे वो सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे और वो सेल मेम्ब्रेन के से ऊपर ही वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होगा और वो आगे जाके बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएगा लेकिन जो इंट्रा रिसेप्टर होते हैं वो डायरेक्टली बाइंड कर जाते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ से ही फिर इंटरेक्शन करके जो फिजियोलॉजिकल और जो डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं तो इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू है दैट इज़ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन ये यहाँ पे ख़त्म होता है अगर आप इस चैप्टर के एम देखना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम